वेलकम टू अनम्स फ्लेवर। आइए आज बनाते हैं काली मिर्च गोश्त। देखते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स। ये इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है, आप वहाँ इसे फॉलो कर सकते हैं। रेसिपी के लिए हमें चाहिए 5 से 6 लहसुन, 1 दालचीनी, 3 लौंग, 250 ग्राम मटन, मोटी कटी हुई प्याज। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम एक मिक्सी के जार के अंदर लहसुन, प्याज, लौंग, दालचीनी बिना पानी डाले बस मोटा मोटा सा ग्राइंड करेंगे, जैसे मैंने बताया इस तरह हमें ग्राइंड करना है। इसके बाद हमें कुकर के अंदर 3 टेबलस्पून ऑयल गरम कर उसमें डालेंगे पिसा हुआ मसाला। इसे बस हमें 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। मसाला फ्राई होने के बाद हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, 2 चम्मच हल्दी पाउडर। इन स्पाइसेस को भी हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद हम डालेंगे मटन के पीसेस। मटन के पीसेस को हमें अच्छे से भुनना है जब तक कि इसका तेल अंदर नहीं आ जाता। इसे बीच बीच में हम भूनते रहेंगे ताकि मसाला नीचे ना चिपक जाए। जब ऑयल नज़र आ जाए हम इसमें डालेंगे 1/2 ग्लास पानी और मटन टेंडर होने तक हम इसे पका लेंगे। मैंने इसे 3 विजल्स आने तक हाई हीट पर पकाया और 2 विजल्स आने तक मीडियम हीट पे। उसके बाद हम इसका प्रेशर रिलीज होने देंगे और कुकर को खोल देंगे। कुकर में थोड़ा सा पानी है, हमें इसे हाई हीट पर सुखा लेना है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच मीट मसाला पाउडर। ये रेडीमेड है, आप चाहे तो इसकी जगह पे गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। हमें इसे हाई हीट पर पकाना है जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। थोड़ा सा पानी ड्राई हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लेमन जूस डाला है। पानी अच्छे से सूख गया है, काली मिर्च गोश्त बनकर रेडी है। आइए अब हम इसे सर्व करते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।